नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बस न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 14 महत्वपूर्ण एजेंडा को मंजूरी दे दी गई है। चुनावी कार्य में लगे कर्मी और सुरक्षा कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मौत पर अनुदान राशि दिया जाएगा। उन्हें चुनाव आयोग दिल्ली की तय राशि दी जाएगी। बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी देखी जा रही है। चुनाव संचालन पुस्तिका की छपाई कोलकाता में की जाएगी। कोलकाता के सरस्वती प्रेस में पुस्तिका की छपाई पर कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। पैक्स सदस्यों को दिवाली का तोहफा मिला है। मैनेजमेंट सब्सिडी में वृद्धि की गई है। प्रति क्विंटल 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का इजाफा किया गया है। चावल की आपूर्ति में यह इजाफा किया गया है। वर्ष 2022-23 में 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। यह लाभ चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के 30 जून तक मिल पाएगा। 31 जुलाई तक 100% आपूर्ति किए जाने पर पैक्स को 25 रुपए क्विंटल और इसके बाद आपूर्ति किए जाने पर 20 रुपए क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। सिविल विमानन मुख्य उड़ायन प्रशिक्षक कैप्टन श्री प्रकाश का सेवा विस्तार किया गया। 31 अक्टूबर 2024 तक वो पद पर बने रहेंगे। कैप्टन श्री प्रकाश की सेवा विस्तार पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। बक्सर के तत्कालीन राज्यपुर सीओ राकेश कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया। राकेश कुमार की बर्खास्तगी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। वो अभी वेटिंग फॉर पोस्टिंग है। बिहार के जेल में मानसिक रोगियों को विशेष सुविधा मिलेगी। सभी 8 सेंट्रल जेल में यह सुविधा होगी। हर जेल में एक एक क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट की बहाली होगी या बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। भूमि सुधार विभाग में का प्रस्ताव था। जल संसाधन विभाग के कुल 7 सिंचाई अंचल पदाधिकारी हैं। जल संसाधन विभाग में भी रेवेन्यू ऑफिसर थे 7। अब उनका समायोजन राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में कर दिया गया है। तो 7 ऐसे लोग थे जिनका कर दिया गया। बिपाड़, आपको याद होगा, बिपाड़ है गया में, बिपाड़ का संचालन हो रहा है और बिहार प्रशासनिक संस्था बिपाड़ जो है गया में, तो वहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन का पुनरीक्षित प्राकलन स्वीकृत किया गया तो 54,11,46,571 रुपये का रिवाइज एस्टिमेट सैंक्शन हुआ लैंड एक्विजिशन। स्वास्थ्य विभाग में जो दो डॉक्टर हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से उनको भुगतान हुआ है। स्वर्गीय डॉक्टर निकहत रिजवी एवं अब्दुल हनान, ये 60 वर्ष की आयु में रिटायर हो गए थे और इनकी जो सेवा है, ये दोनों यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी थे और माननीय उच्च न्यायालय का कहना था कि जिस डेट से आपने मेडिकल, जो रेगुलर मेडिकल वालों को आपने 62 किया है, इनको भी होना चाहिए था, तो इसलिए इनको भी 62 करते हुए जो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं और रिटायरमेंट ड्यूज हैं उनको भुगतान होगा। तो दो हैं, स्वर्गीय डॉक्टर निकहत रिजवी और एक डॉक्टर अपील, सरकार ने अपील फाइल। राजस्व भूमि सुधार विभाग में एक जमीन थी, आपको याद होगा, भागवत नगर में जमीन में के संबंध में केस चला था और राज्य सरकार ने उसके स्थान पर गर्दिनी बाग में जमीन आवंटित किया था। आपको याद होगा, एक बहुत पुराना केस है ये, 2013 का केस था कॉन्टेंट में। तो उसमें जब ज़मीन अलॉट हुआ तो उसमें रकवा और जो खाता और रकवा ये सब थे उसमें परिवर्तन, उसमें अंतर आ गए, मतलब उसमें डिफेक्टिव हो गया, तो उसी को सुधारा गया है। ये करीब कुल एकड़ था 11.86 एकड़ ज़मीन था, तो केवल रकवा और प्लॉट का जो एरियाज है उसका संशोधन किया गया है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में आदेश पारित हुआ था उसी का आलोक। हाँ, भागवत नगर में जो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में केस चला, उसी में भारत सरकार, बिहार सरकार ने गर्दिनी बाग में ज़मीन अलॉट की थी, हाँ, उसके एवज में, लेकिन उसमें परिवर्तन हो गया कुछ। जब आंकड़े, जब एक्चुअल देखा गया, उसमें एक जेई का क्या कार्यालय भी था, वो भी अलॉट हो गया था और जो खाता प्लॉट संख्या थे उसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया, उसी को सुधारा गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राकेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी राजपुर बक्सर, संप्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में राजस्व भूमि सुधार विभाग, इसको
सेवा से बर्खास्त कर दिए गए। ये रंगे हाथ पैसे लेते हुए पकड़ाए गए थे और उसी के आरोप में 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ाए गए थे, उसी में इनको बर्खास्त कर दिया। तिथि का था उसी दिन निर्णय के लिए पटा पता, और कैबिनेट में वही सब प्रस्ताव लिए जाते हैं तो पिछला कैबिनेट और इस कैबिनेट के बीच में प्राप्त होते हैं। नहीं, दूसरा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग का है, डॉक्टर श्री गजेंद्र कुमार मिश्र थे, ये भप्रस्त थे, संयुक्त सचिव विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, 31/10/2023 को रिटायर हो रहे थे, उनको 2 वर्ष का एक्सटेंशन मिला है। इसी प्रकार कैप्टन शिव प्रकाश हैं जो मुख्य विमान प्रशिक्षक हैं, सिविल विमान निदेशालय, जो हमारे कैप्टन ये पायलट भी हैं राजकीय विमान के, 31/10/2023 को रिटायर हो रहे हैं, उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला। एक श्री कृष्ण कुमार यादव हैं, ये तत्कालीन अधीक्षक राजकीय अतिथिशाला हैं, इनको भी जो ये केंद्र श्रम सेवा में इनकी नियुक्ति हुई थी, राज्य सरकार ने इनको रिटेन कर लिया था और एक कैबिनेट निर्णय के आलोक में इनको रिटेन किया गया था 1998 में। रिटेन करने के बाद इनका जो वेतनमान है वो नहीं रहने के कारण इनको प्रमोशन नहीं मिला है, सरकार ने वेतनमान निर्धारित किया है और रिटायरमेंट के बाद इनको रिटायरमेंट ड्यूज मिलेंगे। लोकसभा आम चुनाव 2024 में जो तैयारी के आलोक में जो निर्वाचन से बुक है, ट्रेनिंग बुक है, जो बुक होती है वो तो छपने के लिए सरस्वती प्रेस वेस्ट बंगाल को नॉमिनेशन के आधार पर निर्णय लिया गया। यही 14 मामले हैं जिसके निर्णय हुआ। तो ये 4 प्रावधान जो है जो पूर्व में स्वीकृत नियमावली था उसमें संशोधन किया गया है। तो बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी है। हाँ, तो वो प्रोविजन नहीं थे तो छूट गए थे, तो डिपार्टमेंट एग्जाम का प्रोविजन नहीं था तो ये सब छोड़ दिया गया। दूसरा है कि ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है और निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव कर्मी, सुरक्षा कर्मी जो निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता में जो अनुदान देय होगा उसके संबंध में कोई नया सर्कुलर नहीं है, विभिन्न समय समय पर जो सर्कुलर्स निर्गत किए जाते रहे हैं उसका समेकित रूप से एक सर्कुलर बनाया गया, तो कोई नया परिवर्तन नहीं है। जो यथावत जो पूर्व में प्रावधान है मृत्यु का और अपंगता का वो एग्जैक्टली वही रखा गया है, और एक केवल एक और जोड़ा गया है, केवल उसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को भी जोड़ दिया गया है। तो बस एक देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।